14वीं लोकसभा में निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ने 12 मई 2005 को यह अवलोकन किया कि जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच के गठन की आवश्यकता है। इस संसदीय मंच प्रकोष्ठ के जरिए सांसद सदन में और स्थायी समिति की बैठकों में और अधिक व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को रख सकें। इसके बाद ही 12 अगस्त 2005 को जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच का गठन हुआ। इसके बाद बच्चों, युवाओं, जनसंख्या और लोक स्वास्थ्य और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर भी संसदीय मंच प्रकोष्ठ गठित हुए। इसके बाद मई 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद इन सभी संसदीय मंच प्रकोष्ठ की 21 जनवरी 2010 को फिर स्थापना हुई। इन प्रकोष्ठों के पुनर्गठन के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने 8 दिसंबर 2011 को आपदा प्रबंधन, 26 अप्रैल 2013 को कारीगर और शिल्पकारों पर और 11 दिसंबर 2013 को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित प्रकोष्ठ गठित किए। इसके साथ ही संसदीय मंच प्रकोष्ठ की संख्या 8 हो गई। संसदीय मंच विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों और संबंधित मंत्रालय या विभाग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप और अतिक्रमण नहीं करते हैं। संसदीय मंच प्रकोष्ठ के माध्यम से संसद सदस्यों को सदन में और स्थायी समितियों की बैठकों में मुद्दों पर चर्चा और विषयों पर विचार करने संबंधी जानकारियां मुहैया करवाई जाती हैं। संसदीय मंच प्रकोष्ठ का कार्य है संबंधित मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए सदस्यों को एक मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना, परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाना, कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाना, सांसदों को नई जानकारियां उपलब्ध करवाना, सांसदों को नई तकनीकों के प्रति सजग करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारियां मुहैया करवाना है। संसदीय मंच प्रकोष्ठ की संरचना में संबंधित फोरम के दिशा निर्देश के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संसदीय मंच यहाँ अपवाद है। इन दो मंचों के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं और सहाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उपसभापति राज्यसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा के अलावा संबंधित मंत्री और संबंधित विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष फोरम के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक फोरम में 31 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। यह संख्या अध्यक्ष, सहाध्यक्ष और उपाध्यक्षों के अतिरिक्त है। इन 31 सदस्यों में से 21 से अधिक लोकसभा से नहीं हो सकते और 10 से अधिक सदस्य राज्यसभा से नहीं हो सकते हैं। मंचों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चयन उनकी जानकारी और विषय में उनकी रुचि के आधार पर होता है। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी विशेष तौर पर आमंत्रितों के रूप में मंचों से जुड़कर अपने विचार पेश कर सकते हैं। लोकसभा महासचिव इन मंचों के सचिव होते हैं और इन मंचों को लोकसभा सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। संसदीय मंच प्रकोष्ठ की अवधि की अगर बात की जाए तो फोरम के सदस्यों की पदावधि संबंधित सदनों में उनकी सदस्यता के साथ समाप्त हो जाती है। कोई भी सदस्य राज्यसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफा देकर संसदीय मंच प्रकोष्ठ से अलग हो सकता है। बैठकों के संक्षिप्त विवरण में संसदीय समितियां सामान्यतः अपने कार्यकाल के दौरान जांच और रिपोर्ट के लिए उनके द्वारा चुने गए विषय पर विचार विमर्श करती है, लेकिन इससे इतर संसदीय मंच प्रकोष्ठ में सदस्य अपनी रुचि के अनुसार सामयिक मुद्दों को उठाने का अधिकार रखते हैं। इसके जरिए वो सदन की बैठकों और अन्य स्थायी समितियों की बैठकों में बेहतर तरीके से बात रख सकते हैं। यही वजह है कि ये संसदीय मंच न तो कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं और न ही सदन को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि सचिवालय द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक संसदीय मंचों के विचार विमर्श के संक्षिप्त विवरण को लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और उनसे निकाले गए कार्रवाई योग्य बिंदुओं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों या विभागों को लोकसभा सचिवालय की सूचना के तहत भेजा जाता है। संसदीय मंचों की उपलब्धियां भी कई हैं। संसदीय मंच संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं जिनमें विशेषज्ञ संबंधित मंचों के अधिकार क्षेत्र के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्तुतियां देते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो 15वीं लोकसभा के दौरान कुल 76 बैठकें हुईं।